जय श्री श्याम सबको। चलिए हम आज बनाएंगे मार्बल क्ले। मार्बल क्ले बहुत ड्यूरेबल होती है, वाटरप्रूफ होती है। लगभग सूखने के बाद अगर हम उसको पानी में घोलना चाहें तो वो नहीं घुलती, वो टाइट स्टोन हो जाती है, एक एक तरह की, है ना। तो और मार्बल पाउडर के लिए जो मटेरियल होता है वो देखिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है हमारा फेविकॉल MR और मार्बल पाउडर। अब देखिए मार्बल पाउडर एकदम वाइट इन कलर होता है, और इसकी मार्बल पाउडर की ना बहुत सारी क्वालिटी आती है। जैसे ये वाली देखिए, ये सुपर फाइन है, ये एकदम आपको टैल्कम जैसा लगेगा, है ना। जैसा चौक पाउडर होता है हमारा लगभग सेम, और इसमें दो तीन क्वालिटी आती है। उसमें छोटे आपको ग्रैन्यूल्स भी समझ में आएंगे, थोड़ा सूखापन लगेगा वैसा भी आता है। तो आप कोई सा भी ले सकती हैं, बस आप क्या वर्क करने जा रही हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। बट सबसे बेस्ट ये वाला होता है, जो बेस्ट क्वालिटी का आता है, सुपर फाइन जो मैं बता रही हूँ, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्बल क्ले। पहले एक बोल में हम मार्बल पाउडर लिया मैंने, और मार्बल क्ले के लिए जनरली, वैसे तो मैं हर क्ले के लिए फेविकॉल MR ही प्रिफर करती हूँ, बट फॉर मार्बल क्ले आई वुड रिकमेंड यू टू यूज ओनली फेविकॉल MR। बहुत सारे लोग इसमें ऑयल भी यूज करते हैं, बट मैं नहीं यूज करती हूँ ऑयल। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम फेविकॉल MR ऐड करेंगे। एज कंपेयर टू चॉक पाउडर क्ले और सिरेमिक क्ले, ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है, बट इसका वेट ज़्यादा होता है। तो हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें हमको फीचर्स थोड़े शार्प बनाने हैं उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेट ज़्यादा होने के कारण ये बहुत जल्दी नीचे बैठता है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, वरना ये क्या होता है फिर एक साथ आपको गीला लगने लगेगा। किसी भी प्रकार की क्ले बनाए, हाथ तो आपका थोड़ा गंदा होना ही है ना। क्योंकि अगर हम प्रॉपर नीड नहीं करेंगे ना तो हमारी क्ले प्रॉपर बनेगी भी नहीं। इसलिए देखिए मैं एकदम थोड़ा सा फेविकॉल ले रही हूँ अब, और वरना मुझे मार्बल पाउडर और ऐड करना पड़ जाएगा, है ना, मेरा क्ले गीला हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मार्बल क्ले रेडी। थोड़ा सा ये स्टिकी लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा मार्बल पाउडर और ऐड करके इसको थोड़ा स्मूथ कर दूंगी। अब हम इसमें फेविकॉल ऐड नहीं करेंगे। मैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप जब भी बनाएं तो इससे थोड़ा ज़्यादा बनाएं। बट मार्बल क्ले में एक चीज़ और है, जैसे आप उसको बना के स्टोर करेंगे ना तो कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद वो आपको हार्ड लगने लगेगा, है ना। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा क्ले खराब हो चुका है। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है, तो आपको क्ले बिल्कुल भी ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ हमारा क्ले सूख गया है। वो ऐसा होता है बट उससे हमारा क्ले खराब नहीं हुआ है वो। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे नीट कर देती हूँ फ्लोर पे, अब ये नहीं स्टिक होगा। ये देखिए
ठीक है ना? ये देखिए हमारा क्ले बनके रेडी है इस तरह से। तो जो मैं आपको बता रही थी, जैसे आप रखेंगे ना तो वो सूखापन लगता है, ये देखिए ऐसा। आप उसको करीबन 8 या 10 दिन बाद तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्ले लेना है हाथ में और उसको बस इस तरह से रब करना है। उससे क्या होता है ना, हमारा क्ले पहले जैसा वापस हो जाता है, वो खराब नहीं होता है क्ले, थोड़ा टाइट हो जाता है। बस उसको हम ऐसा रब करेंगे, फेविकॉल और ऐड नहीं करना है, बस रब करेंगे तो हमारी क्ले पहले जैसी स्मूद आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मार्बल क्ले। बाय बाय, जय श्री श्याम।